तो ये सदगुरु तत्व क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ एक ही चाहता है जो मेरा नाम ले, जो मुझसे प्रेम करे, जो मेरे आगे का पालन करे, वो मेरे अपने हैं, और उनकी जिंदगी में कैसे ज्यादा से ज्यादा आनंद से भरपूर कर दू, कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ लेता भी है तुमसे तो समझ लीजिए कि ये 10 गुना करके देने के लिए। इसलिए उसे क्या कहते हैं, विश्व का उपभोग शून्य स्वामी, वो भोग लेने वाला स्वामी नहीं है, वो उपभोग शून्य स्वामी है, वो खुद भोगता नहीं, वो भोग देता है। इसलिए क्या कहा, सही शरीर बार बार भोग प्रदाता, ईश्वर एक भोग प्रदाता, भोग यानी दुख नहीं, तो भोग यानी सुख, यह अर्थ है सुख प्रदाता, ईश्वर एक ही क्या है, सदगुरु एक ही कौन है, सुख प्रदाता। इत देव सारे माइक, 11वें चैप्टर में हेमाड पंत जी क्या कहते हैं इसी ग्रंथ के, इत देव सारे माइक, गुरु जी शाश्वत देव एक, चरणी ठेविता विश्वास देख, रेखे वर मेख मारी तो। इत देव सारे माइक, सारे देव है लेकिन माया के अधीन रहते हैं, कि माया तत्व को अपने साथ लेकर यानी अपनी मां को साथ लेकर, ये सदगुरु जो है ये क्या कर रहे, वो माइक नहीं होते, माया से साथ, माया की महामाया जो है, आदि माया जो है, उसका पुत्र होने के कारण वो तुम्हें माया से मुक्ति दिला सकता है, माया आपको बाधित नहीं कर सकती, डिफिकल्टी नहीं ला सकती, लाती भी नहीं, वो श्री विद्या है। इतर देव जो होते हैं माइक होते हैं, माया के अधीन होते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र सीमित हो रहा है, लिमिटेड लिमिटेड फोर्स, लिमिटेड पावर्स, सीमित क्षमता होती है उनकी। इतर देव सारे माइक, गुरु जी शाश्वत देव है, सिर्फ सदगुरु जो है वो शाश्वत है, यानी त्रिकाला बाधित है, त्रिकाल से अबाधित रहता है, त्रिअवस्था से अबाधित रहता है, राइट। गुरु उसी चीज को हम शाश्वत कहते हैं, जो नाश नहीं होती, जिसका नाश नहीं होता काल के अनुसार, स्थिति के अनुसार, वो त्रिकाला बाधित है यानी शाश्वत है। गुरु जी शाश्वत देव एक, चरणी ठेविता विश्वास देख, देखो यहां भी क्या आता है, चरण आते उसके चरणों में, चरणी ठेविता विश्वास देख, देख यानी देख, वहां हिंदी में जो अर्थ है वही मारे में भी, देख यानी देख, ये सी चरणी ठेविता विश्वास देख, एक बार उसके चरणों में विश्वास रख दिया, रेखे वर मेख मारी तो, जो या रेखा लिखी हुई है प्रारब्ध की, हमने कहते प्रारब्ध की रेखा लिखी हुई है या भाल पर, रेखे वर वेख मारी तो यानी सदगुरु, तो यानी वह ही, रेखे वर मेख मारी तो, मेख यानी क्या, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मेख इज एन इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी चीज को मन चाह आकार दे सकता है, आकृति दे सकता है, उसे मेख कहते हैं। बढ़ते हुए को रोक सकता है, जिसकी गति रोकी गई है उसे बढ़ा सकता है, उसे मेख कहते हैं। रेखे वर मेख मारी तो, यानी अपने प्रारब्ध जो भी लिख कर आए हुए हो आप, उस पर वो क्या करता है, वही एक है, वो क्या करता है, मेख मार सकता है, यानी उसे टोटली चेंज कर सकता है, क्योंकि उसका उद्दिष्ट एक ही है, आनंद प्रेम स्वरूप होता है, प्रेम ही करना जानता है बस, कुछ भी नहीं, और बदले में तुमसे प्रेम की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये तो मुझसे सिर्फ 10 ग्राम प्रेम करता है, उसका प्रेम बांटा हुआ है अपनी माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, औरत से, बच्चों से, पैसे से, गाड़ी से, पोजीशन से, ये मन में नहीं लाता है, बस सभी बाकी सब लोगों के नंबर 100 है और सदगुरु का नंबर 101 है, फिर भी सदगुरु सोचता है कम से कम 101 नंबर तो मेरा है, बस वो भी उसे वो उसको भी वो कबूल करता है, कबूल कर लेता है, मान्यता देता है, मानता है और अपना मानता है, यानी उसके मन में प्रेम की भी अपेक्षा नहीं, ओके, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ लव इवन, इतना वो अपेक्षा शून्य है। इसलिए वही हमारी जिंदगी में संयम ला सकता है, बरकरार कर सकता है, द डिसिप्लिन भी वही लाएगा, संयम भी उसके चरण ही लाएंगे,